बीजेपी छोड़ कमल का हाथ थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के कितने मुखर आलोचक हैं ये जग जाहिर है। उन्होंने कमल छोड़ने की वजह भी पीएम मोदी को ही बताया था, यानी सिन्हा अपना सबसे बड़ा शत्रु पीएम को ही समझते हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस में जाने के बाद उनके तेवर शांत होंगे, मगर आज उन्होंने पीएम मोदी से मुकाबले की अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का खुलासा कर सबको हैरान कर दिया है। कांग्रेस के पटना साहिब से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सीट की वजह से बीजेपी से बगावत की, कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। सिन्हा पटना साहिब को अपना गढ़ मानते हैं। इस बार उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगा। प्रसाद चार बार से राज्यसभा सदस्य हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की इस दावेदारी को लेकर बीजेपी का मानना है कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को मुंह की खानी पड़ेगी, वो इस चुनाव में नहीं जीतेंगे। लेकिन इस दावे को बीजेपी के शत्रु ने नकार दिया और इस सीट पर पीएम मोदी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मुझे इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने में खुशी होगी। इस ख्वाहिश के साथ ही सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को मुगालते में रहने दो, पटना साहिब के मतदाता उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ हलकों में खबर थी कि मोदी वाराणसी के अलावा दूसरी सीट पटना साहिब से मैदान में उतरेंगे, तो क्या हो गया, मुझे इस सीट पर उनसे मुकाबला करने में खुशी होगी। अब शत्रुघ्न सिन्हा तो पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं और उनकी हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अब ये कितनी सच होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पटना साहिब सीट के सियासी इतिहास को देखें तो वो ज्यादा पुरानी नहीं है। पहले पटना में एक ही संसदीय सीट हुआ करती थी। 2008 में परिसीमन के बाद पटना साहिब संसदीय क्षेत्र बना। यहाँ मतदाताओं की संख्या करीब 19,46,000 है। पटना साहिब सीट को स्टार वॉर सीट भी माना जाता है। इस सीट पर सिन्हा के साथ ही अभिनेता शेखर सुमन और अभिनेता कुणाल भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों अभिनेताओं को जीत का स्वाद नहीं मिल पाया। पिछले दो बार से सिन्हा यहां से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। अब इस बार वो कांग्रेस की सीट से मैदान में है, तो देखना होगा कि अब की बार नतीजा क्या होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।